इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा की एक और क्लास कंसेंट्रिक साइकोलाइडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे क्लास कंसेंट्रिक साइकोलाइडिया इज अ कम्बिनेशन ऑफ ग्रीक वर्ड्स कंसेंट्रिक इसका मतलब है कॉमन सेंटर एंड क्राइल आइडिया इसका मतलब है सर्कल और इस एनिमल में यानी सर्कल की तरह सर्कल शेप्ड एनिमल्स अराउंड अ सिंगल एक्सिस

एंड इज लेट डिस्कवर्ड अब जो सी डेजी है इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर क्लासेस आर रिप्रजेंटेटिव ऑफ अदर क्लासेज दे विल नॉट बी हैविंग आर्म्स जैसे कि पिछले हमने तमाम क्लासेज में पढ़ा कि एनिमल्स जो हैं दे आर हैविंग इट्स आर्म्स बट दिस इज नॉट हैविंग आर्म्स एंड आर यूजली लेस देन वन सेंटीमीटर इन डाया मीटर अब इस सी डेजी का डिस्टिंक्टिव uh, फीचर क्या है इसका सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इसके अंदर दो वाटर वेस्कुलर रिंग्स हैं दैट इन सर्कल द डिस्क लाइक बॉडी अब जो इसकी इनर टू रिंग्स हैं प्रोबेबली अगर इसको हम बाकी एनिमल्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में देखें तो वी कैन से दैट इसकी जो इनर टू रिंग्स हैं दे कॉरेस्प टू द रिंग कैनाल ऑफ द मैंबर्स ऑफ अदर क्लासेस लाइक एस्टराइडिया होलोथिरडिया और लेकिन इसके साथ पोलियन वेजिकल्स जो है वो भी अटैचड होगा और जो आउटर रिंग हैं दे कंटेन ट्यूब फिट एंड एम्पुली प्रोबेबली दे कॉरस्पॉन्ड टू द रेडियल कैनल ऑफ़ अदर मेंबर्स ऑफ दिस क्लास अदर मैंबर्स ऑफ द फाइलम एकटा सी डेजीज जो है दे यूजली ऑल्सो लैक एन इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अलावा इसमें एक अडिशनल स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज़ यूजअली इन द फॉर्म ऑफ ए थिन मेम्बरेन उसको हम कहेंगे वीलम वीलम कवर्स द सर्फेस ऑफ द एनिमल अप्लाइड टू द सबस्टेट फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डाइजस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिय इंटरनली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें देयर आर फाइव पेयर ऑफ ब्रूड पाउचि दे होल्ड द एम्ब्रिय ड्यूरिंग द डवेलपमेंट देयर आर नो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजिज और मेकनिजम ऑफ फर्टिलाइजेशन का सी डिजीज में क्या है दैट इज स्टिल आर नोन दीज आर समी रेप्रजेंटेटिव ऑफ क्लास कंसेंट्री साइक्लाइड्स ऑफ फाइलिकाइनोडरमेटा इसका एक ही मेन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है दैट एनिमल इज द सी डेजी हेयर यू कैन सी दैट सी डेजी इज डिफरेंट फ्रॉम सी स्टार सी कम्बर सी लिलीज़ इट इज नॉट हैविंग एनी आर्म बट इट इज ऑफ वेरियस कलर प्रेजेंट इन दी एंड इट इज डिस्क शेप्ड देर आर नो आर्म्स and it's having no digestive system. this is uh, like uh, its name is derived from the, it uh, gives us the appearance of the flower, daisy. so this animal is named after that uh, daisy-like appearance of the flower. so these are very beautiful creatures of uh, marine fauna given by the nature and uh, it is an, another addition. To some beautiful representatives of the class Echinodermata.